क्या आपने कभी सोचा है कि बिना कोडिंग नॉलेज के आप अपना मोबाइल ऐप कैसे बना सकते हैं और बिना किसी इन्वेस्टमेंट के उसे गूगल एडमॉप से कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं। बिल्कुल, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे चैट जीपीटी का यूज करके आप अपना ऐप बना सकते हैं, वो भी इतनी आसानी से कि आपको लगेगा कि आप गेम खेल रहे हैं। पिछली बार मैंने गेम बनाकर उसे मोनेटाइज किया था, लेकिन आज कुछ हम एक्सट्रीम लेवल पर करेंगे। हाँ, मैं आज आपको सिखाऊंगा कि बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के आप कुछ ही क्लिक्स में आप अपना मोबाइल ऐप कैसे तैयार कर सकते हैं। और सबसे खास बात, इस प्रोसेस में आपको एक ऐसी टिप भी दूंगा जिससे कि आपकी अर्निंग 10x तक बूस्ट हो जाएगी। सो रेडी टू अनलॉक दी स्ट्रेटेजी, लेट्स स्टार्ट। तो ऐप क्रिएट करने से लेकर मोनेटाइज करने तक मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। सो हमारा फर्स्ट स्टेप है एक यूनिक ऐप आइडिया को फाइंड करना। सो इसके लिए आप आ सकते हैं प्ले स्टोर पर, यहाँ पर आपको एक से एक ऐप आइडिया मिल जाएंगे अपने ऐप को क्रिएट करने के लिए। स्टार्टिंग में आप इजी ऐप आइडिया को फाइंड करें जिसे आप आसानी से बना पाएं। तो आप चलते हैं स्टेप टू पे, जिस पे हम अपने ऐप को क्रिएट करेंगे विद इन हेल्प ऑफ AI। तो अपनी ऐप को क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर कोई भी आईडी या सॉफ्टवेयर का यूज नहीं करूँगा, आपका ब्राउजर ही काफी है अपने ऐप को क्रिएट करने के लिए और मोनेटाइज करने के लिए। सो सबसे पहले ओपन कर लेंगे ब्राउजर और सर्च बार पर आकर सर्च करेंगे flitlab.io। इस वेबसाइट पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। बेसिकली ये flitlab.io वेबसाइट है, ये फ्लेटर आईडी का ऑनलाइन वर्जन है, जिसे सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो मैं फ्लेटर को आप ऑनलाइन यूज कर पाएंगे अपने ब्राउजर पर। तो आपको इसकी वेबसाइट पर आ जाना है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, बट आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना, इसके बाद अपना नेम, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड इंटर करके अकाउंट क्रिएट कर लेना है। इसके बाद अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। मेरा ऑलरेडी अकाउंट एग्जिस्ट करता है, सो मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन कर लेने के बाद आपको यहाँ क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करना, यहाँ से हेलो वर्ल्ड को सिलेक्ट करना। अब यहाँ पर हमें अपने ऐप का नेम देना है। सो मैं करेंसी प्राइस चेक ऐप बनाने वाला हूँ, सो मैंने इसका नेम करेंसी ऐप दे दिया है। इसके बाद क्रिएट पर क्लिक करेंगे, सो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। इसे सिंपली ओपन कर लेंगे। प्रोजेक्ट पूरी तरीके से लोड हो जाने के बाद यहाँ हम प्ले वाले बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ हम वेब एमुलेटर को सिलेक्ट करके अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड कर लेंगे, जिससे कि हम उसका रियल टाइम आउटपुट देख पाएं। सो इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, वेट कर लेते हैं। सो ये रहा हमारी ऐप का आउटपुट। अभी हमारा कुछ ऐप इस तरह दिख रहा है, हेलो वर्ल्ड। अब हम इस ऐप को एक करेंसी ऐप में कन्वर्ट करेंगे। मतलब जैसे कि आपने देखा होगा गूगल करेंसी कन्वर्टर होता है, जिसमें हम किसी भी कंट्री की करेंसी को डालते हैं और सिलेक्टेड करेंसी की जिससे भी चेंज करना चाहते हैं उसकी प्राइस चेक कर सकते हैं। अब इस ऐसे ही हम अपने ऐप को क्रिएट करेंगे। सो इसके लिए मैंने एक प्रॉम्प्ट बनाया हुआ है, चैट जीपीटी की हेल्प से हम इसे करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक प्रॉम्प्ट बनाया हुआ है जिसपे हम किसी भी करेंसी की प्राइस को चेक कर सकते हैं। उसे मैंने एक प्रॉम्प्ट में बना लिया है कि हमारा ऐप कैसे वर्क करेगा। अब इसके लिए आपको थोड़ा बहुत प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की नॉलेज होनी चाहिए। वैसे अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इस पर एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में डिटेल से समझाऊँगा किसी वीडियो में। सो अभी के लिए हम अपना ऐप क्रिएट करते हैं। इसके लिए आ जाएंगे जीपीटी की वेबसाइट पर, इसके बाद उस प्रॉम्प्ट को यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देंगे। सो हमारा कोड जनरेट होना स्टार्ट हो गया है। बेसिकली इस प्रॉम्प्ट में ऑलरेडी वो सब कुछ लॉजिक ऐड है, मतलब कि किसके बाद क्या देना है हमें और कैसे वो हमारा ऐप वर्क करेगा। ऑटोमेटिकली हमारे ऐप पर API अप्लाई हो जाएगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सो हमारा यहाँ से कंप्लीट होता है। सबसे पहले हमें पैकेजेस को सेटअप करना होगा। वैसे मुझे मेरी फ्लेटर पर बहुत ही एडवांस नॉलेज नहीं है, बेसिक नॉलेज ही है। सो हमें यहाँ पर एक पैकेज को अपने प्रोजेक्ट पर इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नेम है HTTP। सो इसे इंस्टॉल करना बहुत ही सिंपल है। इसके लिए आ जाएंगे यहाँ कमांड्स पर। सबसे पहले आप से इसे मिनिमाइज कर देते हैं, यहाँ सर्च पर आएंगे और यहाँ पर पैकेज को सर्च करेंगे HTTP। सो ये रहा पैकेज, यहाँ ऑटो इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे और ये करना ज़रूरी है, नहीं तो आपको एरर फेस करने पड़ सकते हैं। इंस्टॉल हो जाने के बाद यहाँ एनालाइज होगा। इसके बाद हम यहाँ से सिंपली यहाँ से कोड को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आ जाएंगे वापस से flitlab.io की वेबसाइट पर। यहाँ पर जो हमारे main.dart फाइल का कोड है, इसे यहाँ से सिंपली पूरा डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद जो हमने कॉपी किया था वो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे इस कोड पर कोई एरर तो नहीं है।
सो यहाँ एनालाइज पर क्लिक करेंगे। अगर आपको एरर यहाँ पर फेस करने को लिए मिलता है तो इस वेबसाइट पर आपको यहाँ फिक्स माई एरर वाली बटन पर क्लिक कर देना है, जिससे कि हमारे इस कोड पर जितने भी एरर्स होंगे फिक्स हो जाएंगे। सो अभी हमारे इस कोड पर कोई भी एरर नहीं है। सो अब इसे हम ऑटो रीलोड करेंगे और अपने ऐप का आउटपुट देखेंगे। ऑटो रीलोड करने से ये होगा, जो कुछ हमने कोड में चेंजेस किए हैं वो हमारे यहाँ आउटपुट पर दिखेगा। सो इसके लिए थोड़ा वेट कर लेते हैं, रीबिल्ड होगा हमारा प्रोजेक्ट। सो ये रहा हमारे ऐप का आउटपुट। यहाँ पर हमें करेंसी की अमाउंट इंटर करनी है, इसके बाद उसकी प्राइस को चेक करना है। सो मैं यहाँ पर सिंपली $10 इंटर कर देता हूँ। इसके बाद हम इसे INR में कन्वर्ट करेंगे। सो INR को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद कन्वर्ट करेंसी पर क्लिक करेंगे। सो रियल टाइम आपको वैल्यू देखने के लिए मिल जाएगी और एक सही वैल्यू है। मैंने गूगल पर भी सर्च किया तो सेम बता रहा है। रियल टाइम API का यूज़ भी किया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस वेबसाइट का शायद आपने नेम भी सुना होगा, और साथ में यहाँ पर और भी करेंसीज को आप चेंज करके उनकी वैल्यू को चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर हिस्ट्री भी सेव होगी, जो जिस जिसकी आपने वैल्यू चेक की हुई है, और ये डेली अपडेट होती है क्योंकि करेंसी की वैल्यू कम ज़्यादा होती रहती है। सो यहाँ पर रियल टाइम आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सो हमारा ऐप रेडी है, बट इस पर और चाहे आप इम्प्रूवमेंट करना चाहे, इस पर और फीचर फंक्शनैलिटीज़ को ऐड करना चाहे, तो आप यहाँ पर सिंपली प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। बट अगर मैं यहाँ बताने बैठ गया तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। सो इसके लिए मैं आप सीधा आपको मोनेटाइज करके दिखाता हूँ। सो इसके लिए चलते हैं थर्ड स्टेप में, जिसमें हम इस ऐप को मोनेटाइज करेंगे। तो अब अपने ऐप को मोनेटाइज करने के लिए आपको सेकंड प्रॉम्प्ट की ज़रूरत होगी, जो कि बहुत ईजी है, आप खुद भी बना सकते हैं इसे। सो मैंने यहाँ पर सिंपली अपने खुद से टाइप किया है, नाउ प्लीज़ अप्लाई बैनर एंड इंटरस्टिशियल ऐड इन माई ऐप, बैनर ऐड आफ्टर शो 10 seconds एंड इंटरस्टिशियल ऐड अकॉर्डिंग यू। मैंने इंटरस्टिशियल ऐड को आपके अकॉर्डिंग छोड़ दिया, या मैं इसे GPT के अकॉर्डिंग भी कह सकता हूँ कि अपने अकॉर्डिंग ही इस इंटरस्टिशियल ऐड को अप्लाई कर दो, बट बैनर ऐड को 10 आफ्टर बाद शो करें, मतलब हमारे ऐप पर 10 सेकंड बाद ही ऐड शो होंगे बैनर ऐड। आप इसे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। वैसे और भी टाइप के ऐड होते हैं ऐड पॉप पे, इंटरस्टिशियल ऐड, रिवार्डेड ऐड, और भी बहुत सारे प्रकार के ऐड होते हैं, बॉटम ऐड होते हैं, जो जो आप अप्लाई करना चाहे कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पर बैनर और इंटरस्टिशियल को इसलिए सिलेक्ट कर रहा हूँ बिकॉज इस पर हाई CPM एड्स रन होते हैं, जिससे कि सबसे ज़्यादा अर्निंग होती है। सो यहाँ पर इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे, और जो हमने कॉपी करेंगे और आ जाना आपको GPT की वेबसाइट पर, इसके बाद सेंड बटन पर क्लिक करना। बट मेक श्योर जो आपने ओल्ड चैट स्टार्ट की थी उसी से करना, ना कि न्यू चैट पर ट्राई करना। सो हमारे लिए यहाँ कोड जनरेट होना स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले स्टेप्स देखते हैं। सो हमारा फर्स्ट स्टेप है जिसमें हमें डिपेंडेंसी को ऐड करना है। सो यहाँ पर फर्स्ट इसको इस पैकेज को इंस्टॉल करना है, एंड सेकंड इस गूगल मोबाइल एड्स को पैकेज को इंस्टॉल करना है। सो ये मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी कि कैसे करते हैं। यहाँ पर आपको उस पैकेज को सर्च करना है और इंस्टॉल पर क्लिक करना है। सो ये रहा पैकेज, इसे यहाँ से ऑटो इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। सो हमारा पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। अब ऐसे ही आपको इस पैकेज को इंस्टॉल कर लेना है। सो मैं यहाँ पर जल्दी से कर ले रहा हूँ। सभी पैकेज इंस्टॉल कर लेने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ से जनरेटेड कोड को यहाँ पर सिंपली कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद हमें main.dart की फाइल को ओपन कर लेना है, ये रही, और यहाँ से हमें सिलेक्ट ऑल कर लेना है और अपने कोड के साथ रिप्लेस कर देना है। कोड पेस्ट कर देने के बाद अब हमें इस कोड पर ये फाइंड करना है कि हमें कहाँ कहाँ पर बैनर एंड इंटरस्टिशियल ऐड की ID लगानी है। इसके लिए स्क्रॉल अप करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस फंक्शन में हमें यहाँ पर अपनी इंटरस्टिशियल ID को अप्लाई करना है। इसके बाद यहाँ पर ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें अपनी बैनर ID को अप्लाई करना है, जिससे कि हमारे ऐप पर ऐड शो होंगे और जिसके थ्रू हमारी अर्निंग होगी। इसके लिए चाहिए होगा हमें अब एडमॉप अकाउंट, जिसके लिए आप ओपन कर लें अपना कोई भी ब्राउज़र और उस पर गूगल अकाउंट लॉगिन होना चाहिए, मेक श्योर, और आ जाएंगे इसके बाद एडमॉप की वेबसाइट। इसकी जगह पर आप चाहे तो यूनिटी एड्स का भी यूज़ कर सकते हैं, बाकी आपको जो सही लगे ऐड नेटवर्क में। बहुत से ऐसे ऐड नेटवर्क प्रोवाइडर हैं जो कि आपको हाई CPM एड्स रन करा के देते हैं आपके ऐप पर और आपकी हाई अर्निंग करके देते हैं, बट मुझे सबसे बेस्ट लगता है
वो है गूगल एड पॉप। यहाँ पर हम अपनी कंट्री को सिलेक्ट करेंगे, कॉन्टिनेंट को एंड डिवाइस एंड्रॉयड, और हमारे ऐप की कैटेगरी हम यहाँ पर फाइनेंशियल रखेंगे और कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे। सो आप देख सकते हैं अगर आप अपने ऐप पर 50,000 यूज़र्स लाते हैं तो आप $3,357 अर्न कर सकते हैं, जो कि बहुत ही हाई अमाउंट होती है। जितने ज़्यादा आप अपने ऐप पर यूज़र्स लाएंगे एड, तो उतनी ही ज़्यादा आपकी एड रिवेन्यू होगी। तो हम अपना सबसे पहले गूगल एड पंप में अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। सो यहाँ साइन अप पर क्लिक करेंगे। अगर आपका एडसेंस का अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले आपको एडसेंस का अकाउंट क्रिएट करना होगा। ये करना बहुत ही ईजी है, आपको YouTube पर बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देखने के लिए मिल जाएंगे। वैसे मेरा ऑलरेडी एक एडमॉप का अकाउंट एग्जिस्ट करता है, सो मैं आपको जल्दी से वहाँ जाकर आपको दिखा देता हूँ। तो मेरा ये अकाउंट है बट ये अभी पेंडिंग में है, ये वेरीफाइड नहीं है। इसे वेरीफाइड होने में 24 आवर का टाइम लगेगा। सो हम यहाँ पर सबसे पहले अपने ऐप को ऐड कर लेते हैं। सो यहाँ पर ऐप्स पर क्लिक करेंगे, ऐड ऐप पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ हम प्लेटफॉर्म एंड्रॉयड सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर पूछ रहा है आप अपने ऐप को प्ले स्टोर पर पब्लिश करना चाहते हैं, सो हम यहाँ नो करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम अपने ऐप का नेम देंगे, सो हमारे ऐप का नेम था करेंसी ऐप। सो यहाँ पर सिंपली नेम को कॉपी कर लेंगे और अपने यहाँ पर उस नेम को पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ हमें ऐड ऐप पर क्लिक कर देना है और इसके बाद डन पर क्लिक कर देना है। सो हमारे ऐप का ओवरव्यू ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिलेगा कि हमारे ऐप पर कितनी इम्प्रेशंस आई हैं और कितनी इम्प्रेशंस पर कितना CTR मिला है और कितनी हमारी अर्निंग हुई है। अब हम अपने ऐप पर एड्स को अप्लाई करेंगे। सो यहाँ हम क्लिक करेंगे ऐड यूनिट्स, इसके बाद गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। सो अब हम यहाँ से अपने ऐड टाइप को सिलेक्ट कर सकते हैं, बैनर ऐड, इंट्रीशियल ऐड, रिवार्डेड इंट्रीशियल एंड रिवार्डेड, और भी यहाँ पर आपको ऐड टाइप्स मिल जाएंगे। सो हमने इन दोनों को सिलेक्ट किया है। यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे बैनर ऐड को और अपने ऐप का ऐड का नेम देंगे ऐड वन। इसके बाद क्रिएट ऐड यूनिट पर क्लिक करेंगे। सो हमारी यूनिट आईडी जनरेट होकर आ जाएगी, बट इस आईडी को हम अप्लाई नहीं करेंगे, बिकॉज इसे अभी हम अप्लाई करेंगे तो हमारे ऐप पर ऐड शो नहीं होंगे, क्योंकि हमें ऐड शो होने के लिए 24 घंटे का वेट करना पड़ेगा। सो इसके लिए हम डेमो आईडी का यूज़ करेंगे, जिससे कि हम अपने ऐप पर टेस्ट कर पाएंगे कि हमारे ऐप पर ऐड रन हो रहे हैं कि नहीं। अगर आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाता है तो आप यहाँ पर इस आईडी को अप्लाई कर सकते हैं। मेक श्योर आपका ऐप किसी स्टोर पर पब्लिश होना चाहिए, ऐप पर ऐड शो होंगे और साथ में आपका गूगल एडमॉप अकाउंट वेरीफाइड होना चाहिए। सो अभी के लिए हम अपने ऐप पर टेस्टिंग एड्स को रन करेंगे। सो इसके लिए आप आ जाएंगे इस वेबसाइट पर। इस वेबसाइट पर आपको एड्स की टेस्टिंग आईडीज मिल जाएंगी, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें बैनर आईडी की ज़रूरत थी, सो ये रही, यहाँ से इसे सिंपली कॉपी कर लेंगे। और ये रही हमारी इंट्रीशियल आईडी, इसे हम बाद में अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर बैनर आईडी को अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब यहाँ से हम इंट्रीशियल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसे सिंपली कॉपी कर लेंगे इस आईडी को, और अपने इंट्रीशियल वाली जगह पर पेस्ट कर देंगे। मेक श्योर जब आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाए और आपका ऐप किसी स्टोर पर पब्लिश हो जाए, तब यहाँ से आप अपनी आईडी को रिप्लेस कर लेना, यहाँ से रिप्लेस कर लेना, ताकि आपके ऐप पर ऐड शो होने लगे और आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। और आप अगर फ्री में पब्लिश करना चाहते हैं अपने ऐप को, तो इसके लिए आप अमेजोन, ओप्पो स्टोर, वीवो स्टोर जैसी स्टोर पर फ्री पर पब्लिश कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर करने के लिए आपको कुछ पे करना पड़ता है डेवलपर अकाउंट को बाय करने के लिए। सो आप फ्री में करके भी कर सकते हैं, इसके लिए आप अमेजोन पर पब्लिश कर सकते हैं, इसे मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। सो हमारा ऐप मोनेटाइजेशन भी कम्प्लीट होता है। अब इसे हम APK फाइल में बिल्ड कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा ऐप कैसा लग रहा है। सबसे पहले यहाँ से हॉट रिलोड कर लेते हैं, ताकि हम अपने चेंजेस जो हमने किए हैं ऐप पर वो यहाँ पर देख पाएँ। बट इस आउटपुट में हमें ऐड शो नहीं होंगे, हमें अपने एंड्रॉयड ऐप पर ही इस ऐप को रन करना पड़ेगा। सो इसे बाद में करेंगे, सबसे पहले एक और इम्पोर्टेंट काम है जो हमें करना पड़ेगा अभी। सो ऐड अप्लाई करने के बाद अब हमारा ऐप कुछ इस तरह दिख रहा है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, बट यहाँ पर ऐड शो नहीं होंगी जैसा कि मैंने बताया आपको। आपको इसके लिए APK फाइल ही बिल्ड करनी पड़ेगी। अगर आप एंड्रॉयड के लिए करना चाहते हैं तो एक छोटा सा काम करना पड़ेगा आपको, यहाँ एंड्रॉयड की डायरेक्टरी को ओपन करना,
और यहाँ से हमें ऐप के फोल्डर को ओपन कर लेना है, रिसोर्स को ओपन करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको डीबग का फोल्डर मिलेगा, इस पर सिंपली क्लिक करके यहाँ पर हमें इस एंड्रॉयड मैनिफेस्ट की फाइल को ओपन करके यहाँ पर एक परमिशन मिलेगी इंटरनेट की, यहाँ से इसे सिंपली कॉपी कर लेना है और इसके बाद मेन फोल्डर को ओपन करना। यहाँ पर भी आपको एक मैनिफेस्ट की फाइल मिलेगी, यहाँ से सिंपली कॉपी कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको मैनिफेस्ट के नीचे आके यहाँ पर अपनी परमिशन को अप्लाई कर लेना है। अब इस परमिशन का यूज़ ये है कि आपके डिवाइस का इंटरनेट यूज़ करेगा ऐड रन करने के लिए ये परमिशन। सो यहाँ से आपको अप्लाई कर देना है मेक श्योर, नहीं तो आपके ऐप पर ऐड शो नहीं होंगे, सिर्फ आपका ऐप बस वर्क करेगा, तो ये ज़रूर कर लेना। और अपने ऐप पर अर्निंग 2x करना चाहते हैं तो आप अपने ऐप पर मल्टीपल एड्स और लगा सकते हैं, इसके लिए आप यूनिटी एड्स का यूज़ भी कर सकते हैं। यूनिटी एड्स के अलावा भी और भी ऐसी एड्स प्रोवाइड कंपनियाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर फेसबुक एड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही आप अपने ऐप पर ऐप परचेसेस भी लगा सकते हैं, कोई ऐसा मटेरियल टाइप जिससे कि यूज़र को सब्सक्रिप्शन लेना पड़े, या कोई ऐसा टाइप का कॉइन टाइप के फंक्शन आप क्रिएट कर सकते हैं, ऐसी कोई फीचर फंक्शनैलिटीज़ बना सकते हैं जिससे कि यूज़र को उस फंक्शन को एक्सेस करने के लिए बाय करना पड़े, जिससे कि आपकी अर्निंग 2x होगी। और साथ में आपके ऐप पर ज़्यादा यूजर्स हैं तो आप उस पर स्पॉन्सरशिप भी कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपकी और भी अर्निंग बढ़ सकती है। सो इन तरीके से आप अपने ऐप को मोनेटाइज कर सकते हैं, ईजीली आप अपने ऐप को क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक के बटन को दबाना ना भूलें, और ऐसे कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।